हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज हम रीजनिंग के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप इंग्लिश चाहे हिंदी जिसमें कंफर्टेबल हो पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, रमा वॉक 10 किलोमीटर साउथ, रमा 10 किलोमीटर साउथ की ओर गई है, देन टर्न राइट एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर, वो राइट मुड़ के 5 किलोमीटर चली है। देन अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर वो राइट मुड़ के 10 किलोमीटर चली है। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट मुड़ के फिर 10 किलोमीटर चली है। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी किलोमीटर रमा हैव टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, उसको स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां वो अभी है कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, वो हमसे पूछा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो हमें डायरेक्शन जाननी जरूरी है। दोस्तों आपको एक बात याद रख लेना है, ये डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास चार, न्यूज NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, ये ऐसे करके आपको ये फिगर जरूर याद रख लेनी है और आपको न्यूज लिख देना है, NEWS लिख दिया, बस वही यहां पे लिख दो ऊपर, ये ऐसे करके लिख दो। ठीक है दोस्तों, ये हमें याद रखने के लिए मैंने बताया है, ये आपको हमेशा ऐसे वाली फिगर बना के न्यूज लिख देना, सिंपल। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, एन से दोस्तों हो गया नॉर्थ, ये ई से क्या हो गया ईस्ट, और एस से क्या हो गया साउथ, और डब्ल्यू से क्या हो गया वेस्ट। अब दोस्तों जब भी बात होगी ऊपर, ऊपर मींस उत्तर, ऊपर उत्तर। ठीक है दोस्तों, ईस्ट सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा ईस्ट से निकलता है, मींस पूर्व से निकलता है। अब दोस्तों दो डायरेक्शन पता है, उत्तर के ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों दक्षिण, और पूर्व के ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों पश्चिम। ये दोस्तों आपको याद रख लेना है, अगर ये याद हो गया तो डायरेक्शन आपका खत्म है, आपको डायरेक्शन का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ो, आपका आंसर सामने दिखने लगेगा। रमा वॉक 10 किलोमीटर साउथ, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे जहां से उसने चलना स्टार्ट करना है, उसका घर की बात हो तो वो हमेशा हमें ओरिजिन लेना होता है, सेंटर लेना होता है। अब देखो दोस्तों, रमा वॉक 10 किलोमीटर साउथ, वो साउथ की ओर 10 किलोमीटर गई है, वो यहां से चली और साउथ में ही हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहां पहुंच गई है वो, एंड टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब वो यहां से इधर आ रही है तो उसका राइट इस साइड बनेगा ना, तो राइट हो गया 5 किलोमीटर, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, देन अगेन शी टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, अभी इस साइड आ रही है फिर उसको 10 किलोमीटर जाना है राइट, तो इस साइड जा रही है तो उसका राइट ये हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर ये था, 10 किलोमीटर ये, फिर इतना ही बनेगा। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फिर वो यहां इधर जा रही है तो उसका लेफ्ट इधर बनेगा, उसको कितना करना है लेफ्ट, लेफ्ट करना है उसको 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब वो यहां तक पहुंच चुकी है। हाउ मेनी किलोमीटर विल रमा हैव टू वॉक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो यहां से यहां तक की दूरी हमसे पूछी है कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये दूरी कितनी है, ये दोस्तों 10 किलोमीटर तो ये है हमारे पास, और 5 किलोमीटर ये है, यहाँ पे ये 10 किलोमीटर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा ना, ये 10 और 5 दोस्तों कितना हो गया हमारे पास 15 किलोमीटर, इसका आंसर आ गया 15 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये डायरेक्शन की ये पता है ना, साइड्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप छोड़ोगे नहीं, ये मेरी पक्की गारंटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ये ऐसा स्टार दिया हुआ है, ये स्टार दोस्तों उतना चमक नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कोई वैल्यू आएगी, जब वो वैल्यू हम भर देंगे तो स्टार चमकने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको मिसिंग नंबर वाला, आपको क्या करना है, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है और बड़ी वैल्यू की ओर जाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब छोटी वैल्यू पर 7 है, और अब देखें इसके आसपास ये 16 है, फिर 34 है, ये तो बड़ी हो गई। तो दोस्तों इस साइड ये सर्कल ऐसे चल रहा है, कहने का मतलब। ठीक है दोस्तों, तो अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 7 और यहाँ पे 16, 7 से 16 कैसे बनेगा, क्या मल्टीप्लाई या क्या जुड़ रहा है वो हम चेक करेंगे। अगर दोस्तों मैं 7 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो क्या आ जाएगा 14, और यहाँ पे 16 तो +2 भी कर दूंगा तो दोस्तों क्या हो गया 16 आ गया ना। हमें क्या करना होता है, इसे कुछ जोड़ना या मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि उसके आसपास में बन जाए, वो हम कंसेप्ट चलाते हैं। दोस्तों अब क्या हुआ, इसकी 2 से मल्टीप्लाई हुई है और 2 ही जोड़ा गया है इसमें, तो ये हमारे पास 16 आ गया। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो दोस्तों देखेंगे हमारी वैल्यू ये बन रही है कि नहीं, ये बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो मीन्स हमने जो सोचा है वो, जो लॉजिक लगाया वो सही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 ही जोड़ रहा है।
अब 34 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 68, और 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 70। मैं यहाँ पे 70 रख के देखता हूँ, अब चेक करते हैं जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। अब 70 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 140, प्लस 2 करेंगे तो दोस्तों 142 आ गया। मींस हमारा लॉजिक सही चल रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर क्या है 70, ऑप्शन बी होगी। अब दोस्तों हमारा स्टार चमक गया है। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कैलेंडर का, यदि 11 अगस्त 1993 को शनिवार था तो 11 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों क्या दिया हुआ है, 11 अगस्त 1993 को क्या था, शनिवार, सैटरडे। ठीक है दोस्तों, 11 अगस्त 1993 को शनिवार था और वो पूछ रहे हैं 11 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, डेट सेम है, महीना भी सेम है, साल पकड़ लेंगे, इन्हीं में डिफरेंस है। दोस्तों डिफरेंस कितना है 5 का, अगर कोई लीप ईयर है तो उतने जोड़ देंगे, अगर एक लीप ईयर है तो 1 प्लस करेंगे, 2 लीप ईयर है तो 2 प्लस करेंगे, जितने लीप ईयर है मीन्स उतने हमें जोड़ने हैं। इनमें लीप ईयर देखेंगे तो दोस्तों लीप ईयर एक ही आएगा, वो होगा 96। लीप ईयर दोस्तों वो होता है जो 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 96 ही ऐसा ईयर है जो 4 से डिवाइड हो सकता है, मींस यहाँ पे एक लीप ईयर है तो हमें प्लस 1 करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आया, वैल्यू 6 आई है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, शनिवार दिया हुआ है और हमारे पास आया 6, तो 6 डॉट लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। शनिवार के बाद काउंट करना स्टार्ट कर दो, क्या आएगा शनिवार के बाद, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों लास्ट में शुक्रवार। 11 अगस्त 1998 को शुक्रवार होगा, हमारे पास शुक्रवार ऑप्शन ए हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये कैलेंडर के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल जो जितना डिफरेंस है वो आ जाएगा और प्लस कर देंगे जितने लीप ईयर हैं, जो वैल्यू आएगी उस दिन के बाद वो वैल्यू पे देख लेंगे कौन सा दिन बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारे सामने है पांचवा क्वेश्चन, ये दोस्तों मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों एक पिज्जा बना हुआ है जिसमें 6 स्लाइस है, लेकिन एक स्लाइस ऐसा है जहां पे टॉपिंग बहुत कम की हुई है और वो टॉपिंग हम देखेंगे क्या है और क्या वैल्यू आएगी ताकि ये पिज्जा कंप्लीट हो जाए। अच्छा देखे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है, छोटा नंबर से स्टार्ट करना होता है और बड़े की तरफ चलना होता है, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, प्लस माइनस, उसके बाद स्क्वेयर क्यूब। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पे ध्यान से देखें तो ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब है, हमें पता है। जैसे 125 आ गया, 64 आ गया तो हमें पता चल जाता है ये किसी न किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब है। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखूं 8, ये दोस्तों 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होता है दोस्तों 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। अगर हमें 10 या 15 तक स्क्वायर क्यूब आते हैं तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम कभी नहीं छोड़ते। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब आ जाएगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 343 आएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है डाइस का। डाइस आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखो इस क्वेश्चन को दोस्तों। चित्र पर आधारित ए के विपरीत अक्षर बताइए, दोनों डाइस में कहीं पे ए रखा हुआ है तो उन्होंने बोला है ए के विपरीत में क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, डाइस की 6 साइड होती हैं तो ए के विपरीत में क्या आएगा। अब दोनों डाइस में देखेंगे ए यहाँ पे है, ए के अलावा इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, ए के अलावा है बी और सी। दूसरी डाइस में भी देखेंगे बी और सी हमें मिल जाए, क्योंकि हमें 2 कॉमन चाहिए, उनसे हम डाइस का आंसर निकालते हैं। ए के अलावा इसमें बी और सी है, यहाँ पे ए के, यहाँ ए तो है ही नहीं, यहाँ पे बी डी और ई है, मीन्स दोनों डाइस में बी कॉमन मिल रहा है तो बी रख लेंगे। यहाँ पे ये बी है, इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे, इसको क्लॉकवाइज ऐसे, बी के बाद क्या आएगा सी और फिर क्या आएगा ए, यहाँ पे बी आ गया, ये बी के बाद ये चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज, बी के बाद आएगा डी और फिर आएगा ई। ठीक है दोस्तों, सिंपल बी को लेके यहाँ पे क्लॉकवाइज मैंने चलाया है, यहाँ पे बी को क्लॉकवाइज चलाया है, बी के बाद यहाँ सी और ए आ गया, यहाँ बी के बाद डी और ई आ गया। अब दोस्तों ये जो ए के हमें विपरीत पूछा है तो ए के विपरीत में ई अपना क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया ऑप्शन डी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये डाइस वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, यहाँ पे ए बी सी की जगह भी कोई 1 2 3 भी आ जाए ना तो भी आपको यही कंसेप्ट लगाना है, आपका कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारे पास है सेवंथ क्वेश्चन, यदि आज वीरवार है तो 363 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है 363 इसको 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा
उसको काउंट करेंगे वीरवार के बाद कौन सा वार बनेगा। ये दोस्तों मैं अभी आपको करवा के गया हूँ ऐसे वाला क्वेश्चन, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताओ, मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 8th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करके मेरे को कमेंट में बताओ। अब दोस्तों 8th क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अब उसको देखो। राम वेंट 20 मीटर टू नॉर्थ देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्ड 5 किलोमीटर। राम उत्तर की ओर 20 मीटर गया, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला, फिर उस बिंदु से कितनी दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है, आपको डायरेक्शन पता होनी जरूरी है। कैसे लिखेंगे, न्यूज NEWS, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। ठीक है दोस्तों, ईस्ट मीन्स पूर्व, सूर्य पूर्व से निकलता है, उत्तर मीन्स ऊपर, और उत्तर के ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों दक्षिण, और पूर्व के ऑपोजिट में क्या होगा दोस्तों पश्चिम। ये दोस्तों डायरेक्शन आपको याद होना चाहिए, मैंने दो बार करवा दिया आपको। स्टार्टिंग पॉइंट उसका घर होता है, उसका ओरिजिन होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या राम उत्तर की ओर 20 मीटर गया, यहां से वो 20 मीटर गया उत्तर की ओर, ये हमने ले लिया 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर वो क्या किया उसने, राम वेंट 20 मीटर टू नॉर्थ देन टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्ड अनदर 5 किलोमीटर। अब उसने क्या किया, टर्न हुआ ईस्ट की तरफ और 5 किलोमीटर गया। अब ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर गया, इधर ईस्ट हो गया ना, वो इधर 5 किलोमीटर गया। ठीक है दोस्तों, देन ही टर्न टुवर्ड राइट एंड कवर 20 किलोमीटर। अब वो राइट गया और 20 किलोमीटर कवर किया उसने, ये 20 इतना है तो ये 20 इतना ही होगा, वहां इधर जा रहा है तो राइट उसका ये बना ना, 20 किलोमीटर उसने कवर किया। हाउ फार फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। अब ये जो 5 किलोमीटर है तो यहाँ पे भी ये 5 किलोमीटर बनेगा ना, ये यहां से यहां तक की दूरी हमने फाइंड करनी थी, ये 5 किलोमीटर बन गया। ऑप्शन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगी, ये अपना क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करना है डायरेक्शन का, बस आपको ये डायरेक्शन पता होनी जरूरी है। आप देखते दोस्तों 9th क्वेश्चन, अब दोस्तों 9th क्वेश्चन है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का, ये तो आपको भी पता है कोडिंग डिकोडिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो दोस्तों, इफ डी इज इक्वल टू 4 एंड डॉग इज इक्वल टू 26, दोस्तों अल्फाबेट सीरीज आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, कोई भी एनालॉजी आ जाए, आपको ए बी सी की नंबरिंग आनी जरूरी है। जैसे A1, B2, C3, D4, E5 ऐसे करके 26 तक याद कर लो, आपका एग्जाम में भी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप दिमाग में ही डिटेक्ट कर लोगे और आपका फास्ट आंसर आएगा। अब देखो दोस्तों, D4 होता है हमें पता है, अब डॉग को 26 लिखा हुआ है, इनकी नंबरिंग लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा डॉग से 26 कैसे बना है। D4 होता है, O15 होता है और G7 होता है। सबसे पहले हम प्लस चेक करेंगे, उसके बाद माइनस चेक करेंगे, फिर मल्टीप्लाई चेक करेंगे, किसी न किसी तरीके से 26 बनेगा ही बनेगा। जोड़ करते हैं 15 4 19 19 और 7 26, ये दोस्तों हमें पता चल गया ना, डॉग की जो नंबरिंग है ना उसको प्लस कर रहे हैं तो हमें 26 बन गया। इसी तरह इसकी नंबरिंग का प्लस करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर बनेगी। अब दोस्तों A1 होता है, N14 होता है, I9 होता है, M13 होता है, A1 और L12, इनको जोड़ दो अपना आंसर आ जाएगा। 12 और 1 13, 13 13 26, 26 और 9 35, 35 और 1 36, 36 और 14 दोस्तों क्या हो जाएगा 50, 50 अपना क्या हो गया ऑप्शन बी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये था कोडिंग डिकोडिंग, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन, अब दोस्तों 10th क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवीजन का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ डिवीजन हो तो इस एक्सप्रेशन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन में बताना है। देखो दोस्तों क्या बोला हो, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे माइनस रख देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई यहां पे है, यहां मैं माइनस रख देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, यहां पे भी प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई। अब क्या है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड कहां पे है, यहां पे डिवाइड है, यहां पे प्लस कर दिया, और माइनस का अर्थ है डिवीजन, यहां माइनस है इसका हमने डिवीजन कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, कभी गलत नहीं होगा। बोर्ड मास क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले चेक करेंगे ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट तो नहीं है, यहां पे कोई ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ चेक करेंगे, ऑफ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डिवीजन चेक करेंगे, डिवीजन 75 को जब 25 से, जहां जहां डिवीजन है सब डिवीजन सॉल्व कर देंगे, यहां 75 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों 7 पे कटेगा, उसके बाद क्या ये सारा बाकी का वैसा ही। ठीक है दोस्तों,
अब उसके बाद डिवीजन भी हो गई, अब चेक करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहां पे है? मल्टीप्लाई दो जगह पे है, 7 प्लस ये मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे 5 को 2 से 10 और 3 को 10 से 30। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई भी हो गई। उसके बाद चेक करेंगे एडिशन, एडिशन है तो एडिशन कर देंगे, ये दोस्तों हो गया 17 माइनस 30, एडिशन भी हो गई। लास्ट में सब्ट्रैक्शन बची है वो कर देंगे, 17 माइनस 30 दोस्तों क्या आएगा? माइनस 13, क्योंकि माइनस रहता है बड़े नंबर वाला। ठीक है दोस्तों, माइनस 13 आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।